Subscribe to our channel and press the bell icon and you would never miss an update from Dreamshot. Hey friends, welcome once again to your channel Dreamshot. Which is the camera with best ISO performance? मैंने सोचा मैं ये कैमरा लूँ क्योंकि इसका ISO performance बहुत अच्छा है. ये सब मुझे बहुत सुनने को मिलता है. फोटो क्लिक करते वक्त या कैमरा बाई करते वक्त ISO performance is one of the last things you have to break your head. कैमरा खरीदते वक्त तो ISO performance टैली करने की कोई जरूरत ही नहीं है. मैं आपको दो reasons दूंगा why you need or break your head for ISO performance of any camera. Let's start. सबसे पहले हम प्रैक्टिकली सोचते हैं हम कहाँ पे 1300D और कैनन 1DX Mark II इस टाइप से कैमरा को कंपेयर करते हैं. या फिर मेरे पास 1300D का बजट होगा या मेरे पास कैनन 1DX Mark II का बजट होगा. तो ऑब्वियसली कैमरा खरीदने से पहले मैं इन दोनों को तो कंपेयर नहीं करूंगा. अगर मैं एक एंट्री लेवल कैमरा और एक बहुत हाई एंड प्रोफेशनल कैमरा को कंपेयर करूंगा तब जाके स्पेसिफिकेशन में मुझे डिफरेंस दिखाई देगा. लेकिन सोचो एग्जाम्पल हम कैनन 200D लेने की सोच रहे हैं हम किसके साथ कंपेयर करेंगे? निकॉन 5600, कैनन 1800, निकॉन 5300, सोनी का शायद एक दो कैमरा से कंपेयर करेंगे. लेकिन ये सारे कैमरास जो है एक जैसे बजट में आता है और अगर हम लोग स्पेसिफिकेशंस में इनकी ISO परफॉर्मेंस का डिफरेंस देखेंगे ना वो डिफरेंस दिखाई देगा. मतलब अगर कोई नया मॉडल रिलीज हो रहा है तो पुराने मॉडल से वो कुछ स्पेसिफिकेशंस में अच्छा हो ये सोच के टेक्निकली वो लोग स्लाइटली इम्प्रूव किए हुए रहते हैं. और जब हम लिस्ट को कंपेयर करते हैं इसका ISO परफॉर्मेंस वो वाला कैमरा से हल्का सा अच्छा है बोल के बेवकूफ बनने की जरूरत नहीं है. वो इतना नेग्लिजिबल होता है कि हमारे काम में उतना फर्क भी नहीं पड़ता. तो हमेशा याद रखना लगभग एक ही बजट के कैमरास में ISO परफॉर्मेंस कोई क्राइटेरिया नहीं होता है चूज करने के लिए. कैमरा की जो ISO परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड होने से अच्छा है हम लोग अपना शटर स्पीड और एपर्चर के ऊपर इतना अच्छा कंट्रोल बना ले कि हम लोग कम से कम ISO यूज कर पाए इन एनी सिचुएशन. एग्जाम्पल के तौर पर आई टेल यू मैंने काफी सारे लोगों को देखा कि 1/200 मिनिमम शटर स्पीड रखते हैं और एपर्चर रखते हैं 4 के ऊपर और डार्क सिचुएशन में ऑब्वियसली आपको ISO बहुत हाई रखना पड़ेगा. इससे अच्छा आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो हैंड को थोड़ा स्टेबल रखने का. आप 1/60 और 1/20 तक शटर स्पीड रख सकते हैं. इनफैक्ट मैंने तो काफी बार 1/80 तक शटर स्पीड रखा है. हम जब शटर स्पीड को एफिशिएंटली यूज करने लग जाते हैं और एपर्चर भी वाइडेस्ट पॉसिबल एपर्चर रखते हैं उस सिचुएशन के लिए देन डेफिनेटली हम लोग उसके अकॉर्डिंग मिनिमल पॉसिबल ISO ही रखेंगे. कैमरा की ISO परफॉर्मेंस में जितना भी डिफरेंस होता उससे 100 गुना ज्यादा डिफरेंस हमें शटर स्पीड और एपर्चर को कंट्रोल करने से होता है. तो मैं ये कह रहा था कि फोटोशूट के टाइम पे अगर आप शटर स्पीड और एपर्चर दोनों एफिशिएंटली यूज किया है कॉम्बिनेशन परफेक्ट बनाया है मुझे पर्सनली नहीं लगता है कि हमें बहुत दिमाग खराब कर लेना चाहिए ISO परफॉर्मेंस के ऊपर. और अगर हम लोग इस पे ध्यान दें कि हम कैसे एफिशिएंट लाइट क्रिएट कर पाए एम्बिएंट लाइट को कैसे यूज करें आर्टिफिशियल लाइट को किस तरीके से प्लेस करें इस सब पे अगर हम लोग ध्यान देंगे तो कैमरा के ISO परफॉर्मेंस उतना कुछ फर्क नहीं पड़ता खास करके बिगिनर फोटोग्राफर्स के लिए. आपको लगता है ISO परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है या फिर आपको लगता है कि ISO परफॉर्मेंस शुड नॉट बी अ फैक्टर टू बाय अ कैमरा? डू राइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो देन प्लीज लेट मी नो बाय गिविंग इट अ थम्स अप. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल. डू शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स इफ यू फील इट विल बी हेल्पफुल टू देम. थैंक्स अगेन. टेक केयर.